हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माहिदा टेकी। तो आज थोड़े से अपडेट्स देने वाला हूँ आपको दोस्तों, टेक से रिलेटेड, जो कि कमेंट्स में देने काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो जो भी कमेंट्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं आजकल, मैं कोशिश करूँ उनके एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि सबको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आज का जो अपडेट है, सबसे पहला अपडेट है कि नॉइस कलरफिट प्रो 3 का नया वेरियंट आने वाला है, नॉइस कलरफिट प्रो 4। तो 1 या 2 महीने में होपफुली वो आ जाएगा। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो उस पर काम कर रहे हैं, तो कलरफिट प्रो 4 आने की पूरी चांसेस बन चुके हैं। उसके साथ ही जो नॉइस कंपनी है, प्रीमियम सेगमेंट की स्मार्ट वॉचेस में भी एंट्री कर रहा है, और इस ईयर एंड तक उनकी एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच भी मार्केट में आ जाएगी, जिस जो कि बिल्कुल ओप्पो या GTR 2, मैजिक वॉच 2 की टक्कर की होगी। लगभग उसी प्राइस रेंज के सेगमेंट में फॉल करेगी। तो नॉइस कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है मार्केट में, मतलब अगर मैं नॉइस वीट ऐप को छोड़ दूँ, सॉरी मैं बार बार उसके बारे में जिक्र कर देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कंपनी को। वो काफ़ी अच्छी मार्केट कैप्चर कर रही है, जिसकी वजह से अब वो अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर वो ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाते रहें तो फिर इससे यूज़र्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनर मैजिक वॉच 2, जो हमारी एक बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच थी, आप मेरे 4-5 महीने पुराने वीडियो देखेंगे तो वो नंबर वन वॉच थी 10,000 के सेगमेंट में, क्योंकि पहली ऐसी वॉच थी जो 10-12 हज़ार की रेंज में, 10-11 हज़ार की रेंज में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, बिल्ट इन स्टोरेज सब प्रोवाइड करी थी, जो आज भी 10,000 की वॉच नहीं दे पाती है। ऑनर मैजिक वॉच 2 उस टाइम सेल में 9,999 की होके सारे फीचर आपको देती थी। मैंने खूब रिकमेंड करी थी लोगों को, तो जनवरी से इसका स्टॉक आना ही रहा था, तो अब सुनने में आया है कि अगले महीने तक ये भी स्टॉक में वापस आने वाली है। तो मतलब 10,000 की रेंज की स्मार्ट वॉचेस के सेगमेंट में भी बहुत बड़ी आग लगने वाली है। तो काफ़ी टाइम से लोग एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि अमेज़फिट GTS का जो प्राइस है वो कम हो गया, 5,999 हो गया, मतलब 6,000 रुपये लगभग हो गया है, तो क्या ये लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके मिनी लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मिनी के अंदर आपको कैमरा कंट्रोल, SPO2 एंड वॉइस असिस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि GTS में नहीं है। और उसके अलावा GTS 2 मिनी में लेटेस्ट बायोट्रैकर PPG2 सेंसर है, जिससे इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बायोट्रैकर PPG सेंसर, जो कि अमेज़फिट GTS में लगा है। तो अगर आपकी वर्कआउट रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, आप बिल्ट इन GPS वाली वॉच चाहते हैं, देखिए अभी जो करंटली बिल्ट इन GPS वाली वॉचेस हैं उनमें अच्छी वॉच है अमेज़फिट BPU प्रो ही है, 5,000 तक में अवेलेबल। तो आप अगर उसमें 1,000 रुपये और लगा के आपको स्टाइलिश लुक मिल जाए, मेटेलिक बॉडी वाली, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाए, और बड़ा अच्छा रेटिना एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए सिर्फ 1,000 रुपये और लगा के, तो मेरे हिसाब से आप उस पर जाना ज़्यादा प्रेफर करिए। देखिए, क्योंकि SPO2 की जो रीडिंग है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, स्मार्ट वॉचेज में इतनी गारंटी नहीं है SPO2 की रीडिंग्स की। तो अगर आप, अगर मेजर बात मैं करूँ, SPO2 की रीडिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आप BPU प्रो लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा और लगा के, 1,000 लगा के GTS पे चले जाइए। काफ़ी प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी लुक है, आप पहनेंगे तो लोग भी पूछेंगे, डिस्प्ले भी बड़ा है उसका, तो बात बनती है। लेकिन GTS 2 मिनी से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो अगेन वही, अगर आप वो जो 3 फीचर मैंने बताए, वॉइस असिस्टेंट, कैमरा कंट्रोल एंड SPO2, इनसे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप GTS पे जा सकते हैं, क्योंकि मिनी का डायल भी थोड़ा सा छोटा है स्क्रीन के, उसके बीजल बहुत कम है, GTS का डायल थोड़ा बड़ा हुआ है, तो लुक्स के मामले मुझे पर्सनली GTS ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू मिनी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सी वॉच लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन, कमेंट है, सुझाव है, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके। ऐसे कुछ कुछ अगर अपडेट्स आते रहेंगे, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।